गोविंद हरी नेटवर्कर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को MLM इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। इसके साथ में और भी कैटेगरी के वीडियोस इस चैनल पे मिलती है, पता नहीं है आप लोगों को तो आप इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखिएगा जो कि मैंने बनाया हुआ था, गोविंद हरी नेटवर्कर्स चैनल का ओवरव्यू टाइप से वीडियो मैंने बनाया हुआ था, तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने इस लाइन के बारे में सुना होगा, वर्क लाइक अ डॉग लीव लाइक अ किंग, कुत्तों के जैसे काम करो और राजाओं के जैसे जीवन यापन करो, ऐसा कुछ लाइन आप लोगों ने सुना होगा। ये आपको सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, वर्क लाइक अ डॉग लीव लाइक अ किंग, इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, लेकिन हिंदी इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वर्क लाइक अ डॉग मतलब कि कुत्तों की तरह काम करो, लिव लाइक अ किंग मतलब कि राजाओं की तरह जीवन यापन करो, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। तो सुनने में हो सकता है कि आपको ख़राब लगे, लेकिन MLM इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग इस तरीके का लाइनिंग यूज़ करते हैं अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए कि भाई फील्ड में निकलो, कुत्तों की तरह काम करो और राजाओं की तरह जीवन यापन करो। कुत्तों की तरह काम करने का मतलब क्या होता है, सुबह 6 बजे से निकल जाओ, घर छोड़ दो, उसके बाद रात को 12-1 बजे तक फील्ड में काम करते रहो। तो ये काम करने के बाद फिर आप आइए, फिर अपने घर पे खाइए पीजिए सोइए। तो ये मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी एक सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस अपना व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखें तो वर्क लाइक अ डॉग कुत्तों की तरह काम करना ये कोई मतलब नहीं बनता है। आप ज़रूरी नहीं है कि वर्क लाइक अ डॉग ही करिए, वर्क लाइक अ ह्यूमन भी हम कर सकते हैं। 8 घंटे आप काम कर सकते हैं, 8 घंटे सुबह 9 जब से जब मार्केट खुला होता है तभी तक आप काम कीजिए, 8 घंटे से ज़्यादा मत काम कीजिए, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आपको हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। तो हेल्थ को भी देखना है, और हो सकता है कि आपका क्लाइंट 8 घंटे काम करने के बाद वो टाइम दे रहा हो तो आप उसको नेक्स्ट डेट पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए जुड़ना होगा तो वो नेक्स्ट डे आप शिफ्ट कर देंगे तो भी वहाँ पे वो जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ना होगा तो वो उसका उतने टाइम इंटरवल के गैप के बीच में उसको पता चल जाएगा कि उसका मूड क्या था। अगर वो जुड़ना नहीं होगा और आप 8 घंटे आपने काम किया उसके बाद आप चले गए उससे मिलने तो वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा और साफ उसको पता चल जाएगा कि भाई इनको बस, आपको भी लग जाएगा कि ये टाइम वेस्ट करने के लिए ही बस बुलाया था। दूसरी चीज़ हो सकता है कि वो आपको बुला करके वो आपसे मिल भी ना करे, तो ये भी हो सकता है। तो हमें वर्क लाइक अ डॉग नहीं करना है, हमें वर्क लाइक अ ह्यूमन करना है, और लीव लाइक अ किंग नहीं करना है, राजाओं की तरह नहीं रहना है, लेकिन हमें कृष्ण के दास की तरह ज़रूर रहना है। दास की लाइफ सिंपल होती है, या सर्वेंट या नौकर या सेवक की लाइफ बहुत ही सिंपल होती है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को अगर हम बना लेते हैं तो जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके बाद इंसान का डिप्रेशन की गोलियां खाते हुए मिलता है। लेकिन अगर हम लाइफ को सिंपल बना करके रखते हैं, ज़्यादा दिखावे का भावना नहीं होता है, ज़्यादा शो ऑफ करने का चीज़ों का नहीं होता है अगर हमारे अंदर, और हम सिंपल जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं और एज इट इज़ रहते हैं, तो किसी को पसंद होगा तो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा, किसी को नहीं पसंद होगा तो आप सामने उसके जगवार खड़ी कर दीजिए, वो रिजेक्ट कर देगा। तो हमें एज इट इज़ मतलब सिंपल रहना है, सिंपल तरीके से जीवन यापन करना है। तो मेरा तो ये पर्सनल व्यूज़ था, बाकी आप कमेंट में डाल करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या व्यूज़ है इस चीज़ के बारे में। तो जनरली तौर पे वर्क लाइक अ डॉग लीव लाइक अ किंग लोग मोटिवेशन देते हैं इस चीज़ पे, लेकिन मैं क्या फॉलो करता हूँ, वर्क लाइक अ ह्यूमन, सिर्फ 6 से 8 घंटे बस काम कीजिए, उसके बाद का जो समय है अपने मेंटल ग्रोथ के लिए लगाइए, अपने बिजनेस का मतलब बिजनेस हो या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम लगा सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ के लिए हम लगा सकते हैं, या मेडिटेट कर सकते हैं ताकि हम अपने हेल्थ को रिकवर कर पाएँ, तो उस केस के लिए हम लगा सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम कोई आरी से या फिर कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है तो उससे
अगर वो केवल कुल्हाड़ी से को यूज करता है केवल लकड़ी काटने में और काटता रहता है उसको उस धार को तेज नहीं करता है, तो फिर वो कुल्हाड़ी का धार जब घिस जाता है, कम हो जाता है, तो वो लकड़ी को काटता भी नहीं और रिजल्ट मिलता भी नहीं। वही चीज़ हो जाता है यहाँ भी, अगर हम केवल कुत्तों की तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मेंटल चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर नॉलेज इंक्रीज करने का फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये सेम सिचुएशन है कि हम धार को तेज नहीं कर रहे हैं। जब धार को तेज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सी चीज़ है, आप 24 घंटे भी लगे रहिए फील्ड में तो भी आपका रिस्पॉन्स, जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। हमें 6 से 7 घंटे सिर्फ जो मॉर्निंग से लेकर के दोपहर का या इवनिंग का टाइम होता है, जिस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, बस उस टाइम काम करना है, बाकी दिन में आप अपने धार को तेज करने में लगाइए तो काफ़ी बेहतर होगा। एकदम सिंपल लाइफ बना करके हमें रहना चाहिए। हालांकि मुझे ये नहीं पता है कि सिंपल लाइफ कैसे बनाई जाती है, लेकिन हाँ मैं अगर देखूँ तो सिंपल लाइफ इंसान को बना करके रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को अगर हम करते हैं लाइफ में तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा दिमाग में और वो चीज़ होगी भी नहीं, और इंसान टेंशन डिप्रेशन की गोलियां खाते एक दिन ऊपर चल जाएगा। तो हमें सिंपल लाइफ रखना, तो यहाँ पे जो परम पिता है उनके बारे में भी बताना ज़रूरी है। अब उनसे ऊपर तो कोई है नहीं जिसके बारे में मैं यहाँ पे लिखता, तो मैं कृष्णास दास मैंने करके आपको संबोधित किया कि हमें ऐसे उनके दास की तरह रहना चाहिए, और एक्चुअली में दास भी नहीं, उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के अनंत कोटि दासों के दास बन करके रहना चाहिए। दास मतलब सर्वेंट, नौकर, सेवक। तो इस भाव से हम लोग अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो मे भी शायद कुछ हो पाए, अदरवाइज़ कुछ उम्मीद नहीं है। तो ये हमें फॉलो करना चाहिए, और कुत्तों की तरह मत काम कीजिए, क्योंकि अगर हम कुत्तों की तरह काम करेंगे तो हमारे मनुष्य होने में और एक जानवर जो कि कुत्ता है, तो हमारे उस कुत्ते में और हमारे जैसे मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा। वो कुत्ता भी रोड पे जा कर के कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, कुछ भी मतलब 24 घंटा वर्क ही करता है। तो अगर हम भी कुत्ते के जैसे ही बन जाएंगे तो फिर फायदा क्या तो उसके और हमारे अंदर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, हमें मनुष्य के जैसे बनना है। मनुष्य कौन होता है? मनुष्य के जैसे हमें रहना है, तो मे बी तब हम अंतर निकाल पाएंगे कि जानवर और मनुष्य के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। अब ये मनुष्य कौन होता है ये तो भैया हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग इस्कॉन में आइएगा तो वहाँ से जुड़िएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये टोटल वीडियोस थी, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और लोगों के साथ भी हम लोग काम कर पाएँ और उन लोगों को भी यहाँ से बेनिफिट कुछ मिल पाए और उनका भी कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।